हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सबका दिल से वेलकम है। तो फ्रेंड लीजिए, आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही पुरानी सी रेसिपी है और बिल्कुल इसे थोड़ा सी नई ट्रिक से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तड़का लगाने के लिए जीरा और लहसुन, हरी मिर्च और यहाँ पर थोड़ा सा हींग का तड़का लगाया। तो हींग का तड़का इसमें बहुत ही मस्त लगता है, तो फ्रेंड ज़रूर डालिएगा, आप जब भी बनाइएगा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज होने तक वेट करते हैं, उसके बाद इसमें दाल को ऐड करेंगे। तो दाल हमने 3 से 4 घंटा पहले भिगो लिया था, चने का दाल है यहाँ पर। तो इन सारे चीज़ों को आपस में एक साथ में मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी और उन सारे चीज़ों को भी एक साथ में मिक्स करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी और नमक ऐड कर लेते हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, कम ज़्यादा जैसे भी पसंद हो। ऐसे थोड़ी सी चटपटी रहती है तो काफ़ी बेहतर लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नहीं। और यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी कलर के लिए और इन सारी चीज़ों को एक साथ में मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे इसे 9 से 10 मिनट तक ऐसे ही कवर करके इसे पकाएंगे। तो बीच बीच में थोड़ा सा चेक करते रहेंगे ताकि जले नहीं। जब तक ये पक रहा तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आटा लगाने के लिए इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ। और बिल्कुल आटा रोटी की डो की तरह से लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, एक हाथ से लगा रही थी आटा, तो पूरा वीडियो उसकी नहीं दिखाई हूँ और सीधे आटा लगा के दिखा रही हूँ। तो देखिए सॉफ्ट आटा लग चुका है, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना कुक हुआ है। तो ये देखिए, ऊपर से पूरा जीरा मसाला जो भी है ऊपर ऊपर आ गया। इन सारी चीज़ों को एक साथ में मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा हाथ हाथ से प्रेस करेंगे। अगर अच्छे से प्रेस हो जाता है तो समझ लीजिए कुक हो चुका है। तो फ्रेंड अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो 5 मिनट के लिए इसे और हम लोग कवर कर देते हैं। 5 मिनट बाद फिर चेक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर 5 मिनट हो गया है और ये देखिए बिल्कुल कुक हो चुका है। प्रेस करने पे बिल्कुल प्रेस हो जा रहा, तो इसे हम लोग 5 मिनट तक ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे सीक्रेट और टेस्ट को बढ़ाने के लिए अचार का मिर्चा ऐड करेंगे और इससे बहुत ही अच्छा था चटपटा सा स्पाइसी सा टेस्ट आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए, मिक्सर जार में हमने पीस लिया, आप चाहे तो सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग इसे फिल करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आटे का लोई लेंगे और छोटे छोटे जिस भी साइज़ का आपको बनाना है, छोटा बड़ा जैसा भी, उस हिसाब से लीजिए और इसके अंदर डालते हुए गोल गोल देखिए घुमाते हुए अंदर प्रेस करते हुए और इसका ऊपर से कवर कर देंगे और ऐसे प्रेस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग रोल कर लेते हैं, रोल करने के बाद फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर रोल कर लिया हमने, देखिए तवे पर डाल दिया, तो यहाँ पर तवे पर सेक रहा है। और यहाँ पर सरसों का ऑयल में इसमें लगाएंगे, सरसों का ऑयल में ये वाला पूड़ी बहुत ही मस्त बनता है। तो चलिए यहाँ पर पलट पलट के दोनों तरफ से ऑयल लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से हम लोग सेक रहे हैं और दूसरी साइड से भी पलट के इसमें ऑयल लगा लेंगे और पूड़ी बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे हम लोग सर्व करके दिखाएंगे कि इसके साथ में क्या क्या चीज़ आप लगा सकते हैं। आप इसके साथ में दही लगा सकते हैं, रायता लगा सकते हैं, सब्जी जो भी बना हो उसे लगा सकते हैं, चटनी, धनिया की चटनी, इमली की चटनी, सॉस के साथ भी आप इसे झटपट से दे सकते हैं। अगर सुबह में नाश्ता बना रहे हैं तो जल्दी से आप सॉस के साथ में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से हम बाकी के जो बच्चा है उस सारे पूड़ियों को भी इसी तरह से बना लेंगे सेक सेक कर। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा वाला भी पूड़ी रख दिए हैं बनने के लिए। तो इसे गर्मा गर्मा हम बनाते हुए और सर्व करते जाएंगे खाने के लिए, ताकि खाने वाले बहुत ही मन से खाएं और एक के जगह दो खा लें। तो फ्रेंड ये रेसिपी ज़रूर आप ही ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है, कोई भी झंझट नहीं। तो चलिए फ्रेंड अभी से हम लोग सर्व करके दिखाते हैं पूड़ी बन के। तो तैयार हो चुका है, तो ये देखिए इतनी सारी पूड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी है। तो इसे हम लोग लगा लेते हैं प्लेट में और मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तो यहाँ पर सब्जी और चटनी के साथ में सर्व किया हमने।